आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और वो विषय है नाभि को ठीक कैसे किया जाए। नाभि को ठीक करने के लिए क्या कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ज़्यादातर लोग नाभि के डिस्प्लेसमेंट से परेशान होते हैं और मेडिकल साइंस इसको मान नहीं रही होती, या कोई और साइंस इसे मानती नहीं, पर नाभि के आसपास या नाभि से होने वाली, या यूं कहो कि नाभि के डिस्प्लेसमेंट से होने वाली अनेक समस्याओं से लोग ग्रसित होते हैं। यदि हम नाभि को ठीक कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसको अन्य साइंस नहीं मानती, पर विशेष करके योग में इसको हम स्वीकार करते हैं इसकी समस्या को। नाभि का अर्थ पहले समझ लें। नाभि का अर्थ ये कदापि नहीं कि कुछ स्थान है और वो स्थान से इधर से उधर कोई चीज़ चली गई। नाभि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके हिलने से या जिसके जगह पे न रहने पर, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बहुत अच्छी तरह से ब्लड का फ्लो या ऑक्सीजन का फ्लो, रक्त का संचार न होने से समस्याएं अनेकों बढ़ जाती। जैसा कि पूर्व में भी मैंने नाभि से संबंधित बहुत समस्याओं पर डिस्कशन किया है, विचार किया है, जिसमें IBS भी आता है, जिसमें रिफ्लक्स भी आता है, जिसमें पानी भी नहीं पचता, पानी पीने पे भी अटकता है, जो ब्लोटिंग करता है। यद्यपि ब्लोटिंग में 70-80% कॉज हाइपर एसिडिटी का या साइलेंट हाइपर एसिडिटी का होता है, किंतु उसमें 30-40% कॉज हमारी नेवल डिस्प्लेसमेंट का होता है। और नेवल डिस्प्लेसमेंट में तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिस पर आज मैं डिस्कस करूँगा और उसका एक सलूशन लूँगा जो मूल बंद और उड्डयन बंद से होगा। नाभि डिस्प्लेसमेंट में जो नाभि के ऊपर का हिस्सा है, नाभि के नीचे, नाभि का राइट और नाभि का लेफ्ट हिस्सा, ज़्यादातर नाभि के ऊपर के हिस्से से लोग बहुत परेशान होते हैं, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। नाभि के नीचे के हिस्से से जब परेशान होते हैं तो उसकी समस्या हमारी छोटी आंतों से और बड़ी आंतों से होता है। नाभि के ऊपर और नाभि के राइट साइड में लिवर और ब्लैडर बहुत इफेक्टेड होते हैं, लेफ्ट में स्प्लीन इत्यादि प्रभावित होता है, स्प्लीन और स्टमक का एरिया। हम इन सारों को कवर कर रहे हैं सिर्फ दो ही प्राणायाम की विधि में, जिसको हम बंध कहते हैं। यद्यपि ये मुद्रा का एक भाग है, लेकिन इसे बंध के रूप में स्वीकार करें। दो बंध हैं, मूल बंध और उड्डयन बंध। ध्यान दें, मूल बंध में पहले आप अपने स्पाइन के सबसे निचले हिस्से को कवर करते हैं, ध्यान दो, ताकि हमारी निचला हिस्सा जो मूल है, जो जड़ है, वो बेहतर हो जाए। ये आप इनडायरेक्टली अपनी नाड़ियों को बेहतर करने का प्रयास करते हो। कैसे किया जाए ये बाद में आएंगे। दूसरा, उड्डयन बंध में आप अपनी नाभि के अर्थात मध्य हिस्से को एक्टिव करते हो, खास करके नाभि डिस्प्लेसमेंट के जितने भी मरीज होते हैं वो इमोशनली डिसऑर्डर तो हो ही जाते हैं, साथ साथ फिजिकल एलिमेंट बहुत आता है, जिसको मैं इम्बैलेंस कहता हूँ, रोग नहीं। और यदि आप मध्य हिस्से को एक्टिव कर देते हैं तो नाभि की जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होती है, वे यदि मैं बोलूं आपको, तो सारी नसें आकर के नाभि के आसपास धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती हैं और ब्लड का फ्लो आपका लगभग ना के बराबर हो जाता है। ना के बराबर का मतलब है कि इस एरिया में ब्लड का फ्लो लेसर हो जाता है, कम हो जाता है। तो ब्लड का फ्लो यदि हमारे मध्य क्षेत्र में, जिसको मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता हूँ, यदि इसमें कम है तो आपका हेल्थ कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ।
खास करके नाभि का हिस्सा जो ये बीच का हिस्सा है जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसमें संचार होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे हो, दो बंध के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला बंध है हमारा मूल बंध। मूल बंध में दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एक पोजीशन पे आप बैठ जाएं, लाइक सिद्धासन या पद्मासन, वैसे सिद्धासन पे बैठें ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने हील को अपने गुदा द्वार के पास पेड़ों में अंदर डालें और रख लें, वो किसी से भी जान सकते हैं आसपास, अपने योग गुरुओं से मिल लें। अब इसमें दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है वाह कुंभक करके मूल बंध लगाना, और दूसरा तरीका है अंतर कुंभक करके मूल बंध लगाना। अब पहले तरीके पर आते हैं, जिसको मैं ज़्यादा मानता हूँ अच्छा, और वो इसलिए क्योंकि ये नाभि के लिए सर्वोत्तम है। ध्यान दो, जो तरीका है, सांस पहले अंदर भरो, किसी भी एक पोजीशन में बैठ जाओ। सांस आपने अंदर भर लिया, अब सांस मुंह से धीरे धीरे निकालो, इसी तरह देख लो। सांस को निकालते जाओ, सांस को पूरी तरह से निकाल दो और अपने रेक्टम और मूल एरिया को ऊपर की तरफ खींच लो। खींच करके लगभग 10 से 11 सेकंड होल्ड कर लो। यदि ब्लड प्रेशर है तो मत होल्ड करो, 3-4 सेकंड होल्ड करो, लेकिन 10-11 सेकंड तक होल्ड करो। सांस बाहर रुकी हुई है, इसको वाह कुंभक कहते हैं, रुका हुआ है, और आपने अपने मूल को ऊपर खींच लिया है, रेक्टम को खींच लिया है। इसके साथ साथ अगर यूरिनल ट्रैक भी खींचता है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खींचने दो, होल्ड कर लिया है। अब इस दौरान एक विशेष चीज़ ध्यान देनी है कि आपके चेहरे में, माथे में किसी भी प्रकार का तनाव और खिंचाव नहीं आना चाहिए। जब सांस को बाहर होल्ड करते हैं और थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं तो आपके चेहरे में तनाव और खिंचाव आने लगता है। तो कुछ लोगों को ये भी कहा जाता है, या मैं कहना चाहता हूँ कि 11 सेकंड ना हो पाए तो आप चेक करो, सांस को होल्ड करो और मूल बंध लगाओ, और तब तक लगाओ जब तक चेहरा ढीला और शांत है। तो 10-11 सेकंड तक हो सकता है, ये बहुत इजीली होल्ड करो, फिर इनहेल आराम से छोड़ दो। अब ध्यान दो, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस जगह पर। जब आप आराम से छोड़ोगे सांस तो अपने आप सांस को भरने दो, पहले छाती में, पेट में, जहाँ भी जाए उससे कोई फर्क नहीं। आप सांस अंदर जाने दो, एक लिमिट के बाद जब सांस अंदर चली जाए तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भर लो छाती में, ताकि सेटिस्फेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने वाह कुंभक लगाया हुआ था तो थोड़ा सा आपको आवश्यकता ज़्यादा होगी सांस की। भर लिया आपने, एक बात को ध्यान दो, अब ज़्यादा आवश्यकता अगर आ गई, सांस को थोड़ा एक्स्ट्रा भर लें, अब फिर से यही क्रिया दोहराएं। बीच में रेस्ट ना लें, सांस को धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालें, आराम से थोड़ा सा आवाज़ स्लाइटली आवाज़ निकालें, बाहर जा रहा है, पेट को पिचकाने की कोई ज़रूरत नहीं, छाती को बहुत पिचकाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कंफर्टेबल बाहर जाए, और अपने मूल बंध को खींच लें, मूल बंध लगा लें, मतलब रेक्टम और यूरिनल ट्रैक को लॉक कर दें, रेक्टम और यूरिनल ट्रैक को लॉक कर दें। यहाँ लॉक करने का मतलब है बंध, बांधना। यहाँ पर आपने अपनी कर्म इंद्रिय का एक विशेष हिस्सा, जो आपके इमोशंस से बहुत कनेक्टेड है, जो आपके इमोशनल नीड और फिजिकल नीड से बहुत कनेक्टेड है, उसको होल्ड कर लिया। ध्यान दो, इसको जब आप होल्ड करते हो तो मस्तिष्क के वे हिस्से एक्टिव होने लगते हैं या वे हिस्से शांत होने लगते हैं। एक्टिव होना और शांत होना ये बिल्कुल विपरीत नहीं है, ध्यान देना। वो हिस्से बेहतर होने लगते हैं जो हमारे इमोशन से गवर्न होते हैं,
खास करके रेक्टम और यूरिनल ट्रैक्ट। जब आप इसको होल्ड करते हैं, जब आप इसको खींच करके रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, तो आपका मस्तिष्क का हिस्सा जागृत होता है, न कि रेक्टम का हिस्सा। ध्यान देना, यहाँ पर जब आप इसको कई बार करेंगे लेकिन चेहरा ढीला रहे, और फिर से सांस लें अंदर और नेचुरल वे में लें, एंड में थोड़ा सा सांस को ज़्यादा भरें ताकि संतुष्ट हो लें। सेटिस्फैक्शन के लिए संतुष्टि जरूरी है। सांस एक्स्ट्रा भर लें, एक्सट्रीम भरने की ज़रूरत नहीं, उतना ही सांस भरें जितने में फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड रहें, कंफर्टेबल रहें। ये क्रिया कम से कम 7 मिनट चलनी चाहिए। यदि आपने सांस को बाहर निकाला, आपने होल्ड किया 11 सेकेंड और सांस अंदर लिया, ये पूरी प्रक्रिया अगर आपकी 30-35 सेकेंड में या 40 सेकेंड में हो रही है तो वन ऑफ द बेस्ट है। इसको कंटिन्यूअस आप 7 मिनट कर लें। यदि बीच में सिर में भारीपन हो रहा हो तो आप इसे रेस्ट ले लेकर के कर सकते हैं। अब आपके मस्तिष्क के अंदर जो इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं वो नियंत्रित होंगे, यहाँ तक कि जो बहुत एंग्जियस मोड है वो बेटर होगा, और एंजाइटी के कारण जो नाभि पर या हमारे मध्य भाग में, पेट के मध्य भाग में जो तनाव आता है, या यूरिनल ट्रैक या रेक्टम में तनाव आता है, वो नियंत्रित हो जाएगा। जो इसका दूसरा पार्ट है वो आंतरिक कुंभक पर है। जैसे सांस अंदर लिया आपने, होल्ड कर लिया ब्रेथ को, चाहे छाती में या पेट में, अब आप बंध लगा लो, मूल बंध लगा लो। ये भी तरीका योगियों के द्वारा मान्य है, दोनों तरीके, चाहे वो बाह्य कुंभक में लगाओ चाहे वो अंतर कुंभक में लगाओ। लेकिन नाभि को ठीक करने के लिए, नाभि के एरिया को जागृत करने के लिए हमें बाह्य कुंभक की जरूरत होती है। मतलब है साफ कि आप सांस को बाहर निकालें, होल्ड करें और फिर बंध लगाएं, 11 सेकंड होल्ड करें। ये प्रक्रिया 7 मिनट तक चलनी चाहिए, आपके अंदर एक ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप पर आएं, जिसको हम कहते हैं उड्डयन बंध। उड्डयन बंध का मूल अर्थ है आपके पेट को लॉक कर देना। उड्डयन का मतलब पेट, पेट को लॉक करना, पेट को बांध लेना। पेट को बांधने का मतलब है कि आपके एब्डोमिनल जो मध्य क्षेत्र है एब्डोमेन का, जिसको हम नाभि कहते हैं, उसको खींच करके लॉक कर देना। इसमें ध्यान दें, हमेशा वाह कुंभक में ही ये बंध लगाया जाता है। पहले गहरी सांस लें और फिर मुंह से छोड़ें। पेट को पिचकाएं, उतना ही पिचकाएं जितना नीडेड है, गुरु बनने की आवश्यकता नहीं, चेहरे में बहुत खिंचाव देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत खींचना नहीं है जिससे चेहरे में खिंचाव हो और हार्मोन्स का स्राव बहुत गलत दिशा में होने लगे या एक्सेस या लेस नहीं। कंफर्टेबल इन करके पेट को और उसे रोकें, 11 सेकंड रोकें और फिर अपने आप स्वतः सांस को आने दें। चेहरे को और ढीला करें, अंदर सांस एक्स्ट्रा भरें लास्ट में ताकि सेटिस्फेक्शन हो जाए, और फिर यही क्रिया दोहराते रहना है। एक्सहेल, होल्ड, एब्डोमेन इनसाइड, कंफर्टेबली इनसाइड, लॉक, होल्ड, सॉरी, फिर इनहेल। यही क्रिया 7 मिनट तक चलती रहेगी। अब इसमें और क्या क्या करने हैं आपको, इतना ही नहीं, सांस को उतनी ही मात्रा में बाहर निकालना है। कंप्लीट एम्प्टी नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्लीट एम्प्टी करने पर आपके मस्तिष्क के अंदर स्ट्रेस आता है, तो कंफर्टेबली जितना आउट हो जाए उतना कर लें। आपने सांस को बाहर रोक लिया, फेस रिलैक्स्ड है, पर ध्यान दो वो उतना ही रिलैक्स है जितने में आपको लग रहा है, पर एक्चुअल में तनाव है उसमें, इनसाइड में तनाव होता है। क्यों? क्योंकि पेट को आपने अंदर खींचा हुआ है, तो विजिबली
आपने चेहरे को ढीला रखा है, माथे को ढीला रखा है, लेकिन इंटरनली आपके ब्रेन की नर्व्स में खिंचाव होता है, उसे आप रोक नहीं सकते। उसे ढीला करने के लिए आपको इनहेल करना पड़ता है। तो जब ड्यूरिंग इनहेल आप बिल्कुल कंप्लीट एफर्टलेस करते हो थोड़ी देर, और चेहरे को, ब्रेन की नर्व्स को, ब्रेन की मसल्स को ढीला करना शुरू करते हो, आँखों को, तो वो रिलैक्स होती है। तो एक तरफ आपने स्ट्रेस दे दिया, लेकिन आउटसाइड विजिबली स्ट्रेस नहीं है फेस पर, आँखों पर, माथों पर, लेकिन जब इनहेल किया तो आपने कंफर्टेबल कर दिया और रिलैक्स कर दिया। तो इनहेल करते समय ध्यान दो, ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए ताकि आपकी ब्रेन की नर्व्स, ब्रेन की मसल्स और जो हमारा मस्तिष्क का मध्य क्षेत्र है वो रिलैक्स हो जाए। मस्तिष्क का मध्य क्षेत्र हमेशा शरीर के मध्य क्षेत्र अर्थात नेवल को नियंत्रित करता है, मेरे अनुसार। मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। अगर इस प्राणायाम को इस ढंग से करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। रिजल्ट क्या क्या मिलेगा मैं बता दूँ। सबसे पहले पेट में चुभन, जो हमेशा चुभन होती रहती है, यहाँ तक कि दबाने पे चुभता है, वो चुभन बंद हो जाएगी। पेट में चुभन का अर्थ है साइंटिफिकली एसिडिटी है, लेकिन मेरे अनुसार एसिडिटी तो है ही है, साथ साथ नाभि के आसपास नसों का जमावड़ा हो गया है और ब्लड का फ्लो लेस हो गया है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी अव्यवस्था फैल गई है जिससे हमें कष्ट होता है, जिससे डाइजेस्टिव प्रोसेस पे दिक्कतें आने लगती है, यहाँ तक कि पाचन और निष्कासन दोनों में दिक्कत आने लगती है। ध्यान दो, नाभि को इन दोनों बंधों के माध्यम से बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। एक बात को ध्यान दें, मैं यहाँ पर ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि इससे पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, पर प्रारंभ में यदि आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करेंगे, सांस को बाहर होल्ड करके और इनसाइड करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आपका नाभि का क्षेत्र बेहतर हो जाएगा और ये ब्लड का फ्लो चारों तरफ फैल जाएगा ऑक्सीजन का। ये जितने भी बंद हैं ये हमारे शरीर के कुछ मूल हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं, खास करके नेवल का हिस्सा एक्टिवेट होता है। नेवल के एक्टिवेशन से हमारे मस्तिष्क के मध्य का हिस्सा बेहतर होता है, और हालांकि ये उल्टा प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ मस्तिष्क से नाभि की ओर नहीं आ रहे हैं, हम नाभि से मस्तिष्क की ओर जा रहे हैं। ये भी हेल्थ का एक प्रोसेस है, चिकित्सीय पद्धति का एक प्रोसेस है, जिसे हम थेरेपेटिक एंगल मानते हैं। तो यदि आप इसका अभ्यास करते हैं निरंतर, तो निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ होगा। ध्यान दो, इन दोनों बंध, मूल बंध और उड्यान बंध के बाद हमेशा हमेशा एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए, जिसको हम उदर प्राणायाम करते हैं। मेरे वीडियोस में या मेरे लेक्चर में उदर प्राणायाम को देखें। उदर प्राणायाम में एक्सहेलेशन में कंप्लीट रिलैक्सेशन है, वही उदर प्राणायाम करना है इन दोनों बंध के बाद। ये दोनों बंध चूंकि एक्सहेल में एक्सर्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक्सहेल में होल्डिंग कर रहे हैं, एक्सहेल ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम जब लास्ट में एक्सरसाइज उदर प्राणायाम करेंगे तो उसमें एक्सहेल को कंप्लीट एफर्टलेस कर देंगे, ताकि ब्रेन के अंदर बैलेंसिंग हो जाए। और ब्रेन में एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज ब्रेन के अंदर कंप्लीट रिलैक्सेशन आ जाए, और वो रिलैक्सेशन को एब्जॉर्ब कर ले, स्ट्रेस को कंप्लीट ख़त्म कर दे। ये तीनों प्राणायाम, दो बंध और एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसे मैं उदर प्राणायाम कहता हूँ, जो एक्सहेलेशन में कोई एफर्ट नहीं है, कंप्लीट जर्कलेस है, इसको करेंगे
तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ बहुत बेहतर होती जाएगी और आपका नाभि का क्षेत्र बहुत बेहतर होगा, बहुत एक्टिव होगा और पाचन और निष्कासन में भी बेहतर होगा। साथ साथ पाचन और निष्कासन में बेहतरी यदि होती गई तो डेफिनेटली आपके धातु का निर्माण बहुत अच्छी तरह से होता है और आपके मस्तिष्क के अंदर बहुत छोटी मोटी समस्याएं नहीं आ पाती क्योंकि मस्तिष्क आपका शक्तिशाली हो जाता है। मस्तिष्क का मतलब हार्डवेयर, शक्तिशाली हो जाता है। इसको आप प्रतिदिन करें, देखेंगे आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। धन्यवाद।